नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिवाली शॉपिंग के बीच महिला चोर गैंग हुआ एक्टिव, दुकान से चुराई भगवान की मूर्तियां। पूर्व दिल्ली में 21 साल की युवती से गैंग रेप, टीडीपी के उपाध्यक्ष सोमेश्वर गोड़ की हत्या। अब खबरें विस्तार से। शहर में बाजारों में दिवाली की धूम साफ देखी जा सकती है। लोग खरीदारी करने में मशगूल हैं, तो इसी बीच भीड़ का फायदा उठाने वाले चोर भी एक्टिव हो गए हैं। शॉपिंग करते हुए एक महिला ने भगवान की मूर्तियां चोरी कर ली। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला शातिराना तरीके से अपने बैग में मूर्तियां डालकर ले जाती है। ये वीडियो कुंजपुरा रोड स्थित भगवान की मूर्तियां और पूजा पाठ का सामान बेचने वाले दुकान से सामने आया है, जहां भगवान की मूर्तियां उठाते वक्त महिला की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखते ही देखते महिलाएं पीतल की 3 मूर्तियां चुरा ले गई। फिलहाल त्योहार के दिन होने के कारण दुकानदार ने अभी तक पुलिस को शिकायत नहीं दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में 21 साल की युवती को पार्टी के बहाने बुलाकर गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता के मुताबिक वह परिवार के साथ न्यू अशोक नगर इलाके में रहती है। इलाके में रहने वाला लड़का ही उसे पार्टी के लिए एक फ्लैट में ले गया था। आरोप है कि इस दौरान उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे पीड़िता को नशा हो गया। इस दौरान पार्टी में मौजूद 4 लड़कों ने युवती के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के मुताबिक युवकों के चंगुल से निकलकर जब वह किसी तरह थाना गई, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत डीसीपी कार्यालय में की। वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी फरार है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के वेंकटपुरम गांव में एक राजनीतिक हत्या का मामला सामने आया है। यहां पर तेलुगु देशम पार्टी के देवान कोंडा मंडल के उपाध्यक्ष सोमेश्वर गोड़ की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह हत्या बदला लेने के इरादे से की गई। खबरों में बस आज इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।